एक समय की बात है कि ज्ञानपुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब था और उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसकी पत्नी का नाम लता था। उन्हें दो बेटियां थी जिनका नाम मंजू और संजू था। मोहन के पास थोड़ी सी ही खेती करने वाली जमीन थी। घर के खर्च को चलाने के लिए मोहन उस जमीन के टुकड़े पर ही खेती किया करता था। लता घर में रहकर घर का सारा काम करती थी और दोनों बेटियों की देखभाल किया करती थी। साथ ही साथ दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा और संस्कार भी देती थी। मंजू और संजू दोनों बहनें दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। थोड़ी सी जमीन पर खेती करने के कारण मोहन को बहुत ही कम अनाज की उपज मिल पाती थी, जिसके कारण उनका पूरा परिवार बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। उन लोगों को ज्यादातर एक समय का भोजन ही नसीब हो पाता था। इस गरीबी की हालत से मोहन और उसका परिवार तंग आ चुका था, लेकिन गरीबी के इस भंवर जाल से उबरने का कोई रास्ता मोहन और लता को नजर नहीं आ रहा था। देखते देखते काफी समय गुजर जाता है। मोहन की बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। दोनों गांव के स्कूल में ही पढ़ती थी। मंजू और संजू पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी। ए जी सुनते हो, बेटियां बड़ी हो रही है। केवल अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करने से उनके स्कूल का खर्चा नहीं चलने वाला है, इतनी आमदनी से तो घर का खर्चा भी नहीं चल पाता है। महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जीवन बहुत मुश्किल से चल रहा है। पता नहीं हमारा क्या होगा। हाँ लता, तुम ठीक कहती हो। तुम्हें शायद नहीं पता हो, पर मैं भी दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता हूँ। पर कोई भी रास्ता नहीं निकल पा रहा है और दिन ब दिन हालात और भी खराब हो रहे हैं। हमारे गांव के सरपंच साहब जमींदार आदमी हैं और बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। उनके पास खेती वाले बहुत सारे जमीन हैं। सुना है कि खेती बाड़ी करने के लिए सरपंच साहब एक ईमानदार आदमी ढूंढ रहे हैं। सोचता हूँ कि उनके पास जाकर उनसे मिलूं और वहीं काम शुरू करता हूँ। इससे कुछ आमदनी भी हो जाएगी और बेटी की पढ़ाई का कुछ खर्चा भी निकल जाएगा और साथ साथ सरपंच साहब की भी खेती का काम हो जाएगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। अब बिना देरी किए हुए आप जल्दी से सरपंच साहब के पास जाए, नहीं तो ये काम भी हाथ से निकल जाएगा और वो कोई दूसरा आदमी रख लेंगे और आप बस हाथ मलते ही रह जाएंगे। मोहन सरपंच साहब के पास जाता है और उन्हें अपने मन की बात बताता है। मोहन उन्हीं के गांव का था तो सरपंच साहब मोहन को खेती के काम पर रख लेते हैं। वहां मोहन पूरी ईमानदारी और मेहनत से खेती का काम करने लगता है। मोहन का सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब मंजू और संजू बड़ी हो जाती है। वो दोनों कॉलेज जाने लगी थी। एक दिन लता, अजी सुनते हो, तुम तो केवल काम में ही मगन रहते हो, कुछ ख्याल भी है? अब हमारी बेटियां बड़ी हो रही है, कॉलेज के खर्च के साथ साथ अब हमें उनकी शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने होंगे। हाँ लता, तुम ठीक कहती हो, मैं कुछ सोचता हूँ। मंजू लता और मोहन की सारी बातें सुन लेती है। संजू, पापा और मम्मी हम दोनों को लेकर बहुत चिंतित और परेशान रहते हैं। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर हम लोग उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? क्यों ना हम दोनों मिलकर गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करें? इससे कुछ पैसे भी आ जाएंगे, जिससे मम्मी पापा को कुछ मदद मिल जाएगी और हमारा गांव भी शिक्षित होगा। हाँ दीदी, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। चलो इस बारे में माँ से जिक्र करते हैं और उनकी इजाजत भी लेते हैं। दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें अपने मन की सारी बात बताती है। मम्मी, हम दोनों बहनें गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इससे हम पापा का हाथ भी बटा पाएंगे और साथ ही साथ हमारा गांव भी शिक्षित होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तुम्हारे पापा को भी ये बात बताऊंगी। अजी सुनते हो, देखो तो हमारी बेटियां कितनी समझदार हो गई है। लता मोहन को सारी बात बताती है। मोहन अपनी दोनों बेटियों को प्यार से गले लगा लेता है और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देता है। अगले ही दिन लता पड़ोस में सभी के घर जाकर सूचित करती है कि उसकी बेटियां ट्यूशन पढ़ाना शुरू करना चाहती है। संजू घर पर ही एक बोर्ड बनाकर बाहर दीवार पर लगा देती है। दोनों भी अपने सारे दोस्तों को ट्यूशन पढ़ाने वाले प्लानिंग के बारे में बताती है। गाँव के लोगों को मंजू और संजू पर विश्वास ही नहीं था,
इसके साथ ही साथ गांव के कुछ लोग जो मोहन से जलते थे, वो लोग भी ट्यूशन के खिलाफ दुष्प्रचार करने लगे ताकि बच्चे वहां पर ट्यूशन पढ़ने के लिए ना जाए। लेकिन मंजू बहुत ही समझदार और होशियार लड़की थी, तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने पड़ोस के दो गरीब लड़कियों को मुफ्त में ही पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उनका परिवार फीस देने में असमर्थ था। अब उन दोनों लड़कियों के स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे। ये बात ज्ञानपुर गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी आग की तरह फैलने लगी। अब देखते ही देखते मंजू और संजू के पास ट्यूशन लेने के लिए बहुत से विद्यार्थी आने लगे। मंजू और संजू अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद अपना फुल टाइम कोचिंग शुरू करती है। दिन प्रतिदिन उनके कोचिंग के बच्चों की संख्या बढ़ने लगती है और इसके साथ ही साथ मंजू और संजू के घर की आमदनी भी। एक दिन दोनों बेटियां अपने पिता से, पापा अब आप सरपंच साहब के खेतों में मजदूरी करने मत जाओ और हो सके तो अब हमारे कोचिंग सेंटर में ही हाथ बटाइए। लता देख रही हो, हमारी बेटियां कितनी योग्य हो गई हैं और ये दोनों हम लोगों का कितना ख्याल रखती हैं। जी बिल्कुल, आखिर बेटियां किसकी है। दोनों बहनों के कोचिंग सेंटर के काम, नाम और उपलब्धि की चर्चाएं दूर दूर तक फैलने लगती है और कोचिंग सेंटर में बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए आने लगते हैं। बढ़ते बच्चों की संख्या को देखकर दोनों बहनें ज्ञानपुर गांव में ही एक बड़ा सा मकान किराए पर लेती है और वहां ट्यूशन पढ़ाने लगी। संजू और मंजू के कोचिंग की ख्याति इतनी बढ़ने लगी कि इस किराए के मकान में भी सीटों की कमी पड़ने लगी। लेकिन इन दोनों बहनों ने मानो सभी को शिक्षित करने की ठान ही ली थी। अब शहर से भी उन्हें ट्यूशन के लिए कॉल आने लगे थे, तो दोनों ने मिलकर एक नायाब आइडिया निकाला और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही एक कमरे को साउंड प्रूफ रूम बनाया। वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन क्लास भी देने लगी। इतना ही नहीं, जो बच्चे गरीब परिवार से हुआ करते थे उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुफ्त की शिक्षा दी जाती थी। अब दोनों बहनों का नाम और ख्याति चारों तरफ फैल जाती है कि तभी एक दिन गांव के सरपंच साहब अपने बेटे अभिषेक के साथ मोहन के घर आते हैं। अरे मालिक, आप और इस गरीब की कुटिया पर कैसे? आपने क्यों कष्ट किया? आपने मुझे बुला लिया होता। क्या मोहन, केवल बात ही करोगे या घर के अंदर भी बुलाओगे? आइए मालिक। अरे लता सुनती हो, मालिक आए हैं, मालिक के लिए थोड़ा पानी तो लेकर आओ। जी अभी लाई। मोहन, आज मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ। ये मेरा बेटा अभिषेक है, ये इंग्लैंड से पढ़ाई करके अभी अभी ज्ञानपुर लौटा है। बात ये है कि मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी मंजू का हाथ मांगने आया हूँ। मालिक आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं? कहाँ आप और कहाँ मैं, संबंध बराबरी वालों में शोभा देता है। राजा और रंक में कभी संबंध होता है क्या? मोहन, तुम्हारी ईमानदारी और मंजू के ज्ञान और मेहनत ने मुझे तुम्हारे दरवाजे पर ला खड़ा कर दिया है। ना कहकर मुझे निराश और शर्मिंदा मत करना। अरे जिसके पास मंजू और संजू जैसे गुणवान, चरित्रवान और सुंदर हीरे की जैसी बेटियां हो, असली राजा तो वो है। जैसी आपकी इच्छा मालिक, मेरी मंजू आपके घर की बहू बने, इससे बड़ी और अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। मोहन, अब मैं मालिक नहीं हूँ तुम्हारा, अब मैं तुम्हारा समधी हूँ। आओ गले मिलो मेरे भाई। मोहन और उसके पूरे परिवार में हर्ष की लहर फैल जाती है। कुछ ही दिनों के बाद मंजू और अभिषेक की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। मंजू अपने ससुराल में बहुत खुश रहने लगती है। शादी के कुछ दिनों बाद मंजू, अभिषेक और संजू मिलकर ज्ञानपुर गांव में ही पहले से बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं, जिसके माध्यम से दूर दूर के बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग पढ़ते हैं। मंजू, संजू और अभिषेक के अपार प्यार और मेहनत की वजह से ज्ञानपुर गांव अपने राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों से पूर्ण शिक्षित गांव का खिताब भी प्राप्त करता है। मंजू और संजू दोनों बहनों ने अपने ज्ञानपुर गांव का नाम चरितार्थ कर दिखलाया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और अच्छे कार्य और कर्म करने वालों की राह में कभी भी कोई विपत्ति नहीं आती। साथ ही साथ हमें ये भी सीख मिलती है कि शिक्षा ग्रहण करना
और शिक्षा देना दोनों ही बहुत महान कार्य है, जिसे धन और ज्ञान दोनों की प्राप्ति होती है।